हेलो एवरीवन, मंथन पॉइंट ट्यूटोरियल्स में पुनः आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मुनमुन शर्मा। इस वीडियो में हम लोग कुछ पदार्थों में पाए जाने वाले अम्ल के बारे में जानेंगे, तो वन बाय वन करके हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं संतरा तथा नींबू का रस। इसमें सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। संतरा हुआ या नींबू का रस हुआ, इसमें सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। अगला जो है बहुत ही महत्वपूर्ण पदार्थ है सिरका, जिसका प्रयोग हम लोग अचार बनाने में करते हैं। तो सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। सिरका में क्या पाया जाता है? एसिटिक अम्ल पाया जाता है। 6 से 8% एसिटिक अम्ल की अगर मात्रा होता है तो उसको हम लोग सिरका कहते हैं। नेक्स्ट 3 नंबर, अंगूर या इमली। अंगूर या इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। बहुत ही अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा, यह बोर्ड में बराबर पूछता है, इसमें से जरूर क्वेश्चन रहेगा बोर्ड में, तो इसलिए इस सबको बहुत अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। 4 नंबर, सेव। सेव में माइलिक अम्ल पाया जाता है। सेव जो होता है उसमें क्या पाया जाता है? माइलिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट टमाटर हुआ और अमरूद, इसमें ऑक्जैलिक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? ऑक्जैलिक अम्ल। टमाटर और अमरूद में क्या पाया जाता है? ऑक्जैलिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट 6 नंबर, खट्टा दूध और दही। खट्टा दूध कहने का मतलब यह हुआ कि जो दूध फट जाता है उसे हम लोग खट्टा दूध कहते हैं। तो क्या फटा दूध में या दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट मक्खन। मक्खन में ब्यूटीरिक अम्ल पाया जाता है। मक्खन में क्या पाया जाता है? ब्यूटीरिक अम्ल। नेक्स्ट 8 नंबर पर हम लोग आते हैं, चाय या कॉफी में, कॉफी को हम लोग कहवा भी कहते हैं, चाय या कॉफी में टैनिक अम्ल मिलता है। चाय या कॉफी में क्या मिलता है? टैनिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट आमाशय रस। आमाशय रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। आमाशय जो रस होता है, जो एक प्रकार का पाचक रस है, इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट वसा। कोई भी पदार्थ जिसमें वसा हो तो वसा में एस्टियरिक अम्ल पाया जाता है। वसा में क्या पाया जाता है? एस्टियरिक अम्ल पाया जाता है। जो वसा के रिच जो स्रोत होते हैं, सोर्स होते हैं, उसमें एस्टियरिक अम्ल पाया जाता है। 11 नंबर, लाल चींटी या मधुमक्खी के डंक। यही नहीं, और सब भी इसमें हम लोग लिख सकते हैं। लाल चींटी हुआ, मधुमक्खी का डंक हुआ, बिढ़नी हुआ, हड्डा हुआ, बिच्छू हुआ, उन सब के डंक में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। फॉर्मिक अम्ल को हमने बताया था, मेथेनोइक अम्ल भी कहते हैं। नेक्स्ट 12 नंबर, जैतून का तेल। जैतून का तेल का हम लोग प्रयोग साबुन बनाने में करते हैं। उसमें ओलिक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? ओलिक अम्ल। नेक्स्ट 13 नंबर, विटामिन सी हुआ या प्याज हुआ, क्योंकि प्याज विटामिन सी का अच्छा स्रोत है, तो विटामिन सी हुआ या प्याज हुआ, इसमें एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट 14 नंबर, पेशाब हुआ या मूत्र। पेशाब को हम लोग मूत्र भी कहते हैं, तो पेशाब या मूत्र में यूरिक अम्ल, या यहाँ 16 नंबर में मूत्र लिखे हैं तो बेंजोइक अम्ल। तो पेशाब या मूत्र में यूरिक अम्ल और बेंजोइक अम्ल दोनों पाया जाता है।
नेक्स्ट 15 नंबर मृदु पेय, मृदु पेय को हम लोग सोडा वाटर हुआ, चाहे पेप्सी हुआ, कोको कोला हुआ, स्प्राइट हुआ, जो हम लोग पेय पदार्थ जो जो यूज हम लोग करते हैं, जो ड्रिंकिंग जो वाटर है उसको हम लोग यूज करते हैं, शराब भी हो सकता है, उसमें कार्बोनिक अम्ल पाया जाता है। तो मृदु पेय जो हुआ, सॉफ्ट ड्रिंक जो हुआ, उसमें कार्बोनिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट 16 नंबर घास, किसी भी कोई भी घास हो या कोई भी पत्ता हो, किसी भी वृक्ष का पत्ता हो या किसी भी चीज का मूत्र हो, पेशाब हो, उसमें बेंजोइक अम्ल पाया जाता है। तो घास पत्ते व मूत्र में क्या पाया जाता है? बेंजोइक अम्ल। तो हम लोग यहाँ पे समझे कि मूत्र में दो प्रकार का अम्ल पाया जाता है, यूरिक अम्ल और बेंजोइक अम्ल। तो उम्मीद है कि यह वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा। जो नए विद्यार्थी हैं, अब तक हमसे नहीं जुड़ पाए हैं, वे मेरे चैनल लिंक को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि उन्हें प्रत्येक वीडियो का लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिले। तो आज का हम लोग सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो।